आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज द वेट इन ग्राम्स ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज Fe2 पॉजिटिव आयंस। बेसिकली आपके क्या है, Fe2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन 7.6 ग्राम ऑफ FeSO4 टू Fe3 पॉजिटिव आयन इफ द रिएक्शन इज कैरीड ऑन एसिडिक मीडियम इज। बेसिकली आपको बताना है कि कितना वेट हमें K2Cr2O7 का चाहिए होगा टू ऑक्सीडाइज Fe2 पॉजिटिव आयंस इंटू Fe3 पॉजिटिव आयंस, जब आपके पास क्या है FeSO4 का वेट गिवन है, फाइन, और रिएक्शन जो है आपके एसिडिक मीडियम में, ये आपको यहाँ पर बताना है, फाइन। सो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। सो आपका बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका K2Cr2O7 जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है FeSO4 के साथ इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड हम ले लेते हैं एसिड की तरह। सो यहाँ पर आपके पास बनेगा फेरिक सल्फेट SO4 होल थ्राइस, प्लस आपके पास यहाँ पर बनेगा K2SO4, प्लस आपका यहाँ पर बनेगा क्रोमियम SO4 होल थ्राइस, फाइन, प्लस आपका क्या है यहाँ पर आपका बन सकता है +7H2, फाइन। सो ये बेसिकली आपके यहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार बैलेंस कर देती हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स करने होंगे। सो यहाँ पर आप 6 लगा लीजिए, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 लगा लीजिए, ये आपका Fe2 होगा, नॉट Fe3, Fe2SO4 होल थ्राइस, फाइन, आपका फिर K2SO4, फाइन, ये आपके पास क्या एग्जैक्ट बैलेंस इक्वेशन है, फाइन। अब देखो, इस इक्वेशन से ही हम क्या है फर्दर रिजल्ट डिड्यूस करेंगे। हम ये कहेंगे कि 6 मोल्स FeSO4 के लिए हमारे को 6 मोल्स ऑफ FeSO4 को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 मोल K2Cr2O7 चाहिए। सो मैं ये बोलूँगी फॉर ऑक्सीडाइजिंग 6 मोल ऑफ FeSO4 वी नीड 1 मोल ऑफ K2Cr2O7। सो देखो, 7.6 ग्राम को अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ FeSO4, सो कैसे कर सकते हो, देखो नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल होता है, गिवन वेट आपका कितना 7.6, एंड अगर इसके मोलर वेट की बात करती हूँ, सो मोलर वेट जो होता है हमारे पास FeSO4 का, वो होता है हमारे पास 152, फाइन। सो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका जो आंसर होगा दैट विल कम आउट टू बी 0.05, फाइन। सो इतने मोल्स आपके पास के FeSO4 के प्रेजेंट है। सो आप बोलोगे कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, आपका क्या होगा 0.05 के लिए आप बोलोगे कि 0.05 मोल ऑफ FeSO4 को ऑक्सीडाइज करने के लिए वी विल रिक्वायर, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, आप लिखेंगे यहाँ पर 1/6 इंटू 0.05 मोल ऑफ K2Cr2O7, फाइन। पर देखो, हमें जो चाहिए वो वेट इन ग्राम्स चाहिए, वेट इन ग्राम्स चाहिए। तो देखो, जैसे हमने मोल्स निकाले कि गिवन वेट अपॉन मोलर मास, सो आप क्या कर सकते हो, अगर आप मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दोगे सो आपको वेट निकल जाएगा। बट इस केस में हमें K2Cr2O7 का चाहिए, तो हमें उसका मोलर मास लेना होगा, फाइन। सो देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लेती हूँ फर्दर, सो ये आपका अराउंड इक्वल होगा 0.00834, मतलब समथिंग इतने इसके इक्वल होगा मोल ऑफ K2Cr2O7, फाइन। सो आप जब कैलकुलेट करोगे वेट ऑफ K2Cr2O7, सो आपका इक्वल हो जाएगा जितने मोल्स आपके पास है मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास होता है इसका 294। तो इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर जो होगा वो निकल कर आएगा 2.5 ग्राम। सो आप बोलोगे कि 2.5 ग्राम्स हमें चाहिए होगा अगर मुझे ऑक्सीडाइज करना है Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में, जो मेरे पास FeSO4 के 7.6 ग्राम, फाइन। सो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो बेसिकली क्या, ऑप्शन 3 करेक्ट होने वाला है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।